आज बेंगाबाद के मां मुंड मालिनी धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से दीपावली पर्व में मां काली की पूजा की गई। दीपावली में विशेष पूजा अर्चना के बाद आज मां मुंड मालिनी धाम में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेंगाबाद क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। मां मुंड मालिनी धाम के प्रधान पुजारी मनोज मंडल ने बताया कि यहाँ हर वर्ष मां मुंड मालिनी की विशेष पूजा की जाती है और भव्य भंडारा का आयोजन होता है। वहीं धाम के विकास के लिए कई कार्य भी होते आए हैं और इसी कड़ी में आज पंचायत समिति मद से बने चबूतरे का उद्घाटन बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महेंद्र महतो ने किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र पंडित, संजय राणा, पंकज वर्मा, मनीष शाह, प्रदीप सिंह, नरेश यादव, रवि यादव, विनोद राय, अवतार पंडित, रवि पांडे, राजू मंडल, धीरेन्द्र दास, कुलदीप मंडल के अलावे सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। समाधान इंडिया के लिए महेंद्र राज की रिपोर्ट। चबूतरा क्या हरता है? हाँ, ये आज जो चबूतरा का उद्घाटन किया गया है, ये पंचायत समिति के बेंगाबाद के द्वारा अनुमोदित किया गया था और माननीय सदस्यों के द्वारा इसे पारित किया गया था और पंचायत समिति में, और पिछले वर्ष मैंने यहाँ पर घोषणा किया था कि यहाँ पर पंचायत समिति के द्वारा चबूतरा होगा और आज इसका उद्घाटन भी किया। ये हम लोगों के लिए और मेरे के लिए खास करके खुशी की बात है और पूरे प्रखंड क्षेत्र में 166 गांवों में लगभग छोटी बड़ी योजनाओं का हम लोग ने इसका शिलान्यास करने का आज से हम लोग ये माता के दरबार में शुरू किया है और कल से हम लोग अभी पूरे प्रखंड क्षेत्र में इसका हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जो पंचायत समिति माननीय सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था और आगे यहाँ पर ये जो विकास कार्य हैं, तो फिलहाल रोड की बात है तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, तकनीकी कारणों के कारण ये रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ये जगह जो है इसे, क्योंकि ये चारों तरफ ये प्राकृतिक घटा के बीच में ये स्थल है और ये धार्मिक स्थल, यहाँ आज के दिन यहाँ मेला का भी आयोजन होता रहा है, तो इसे हम लोग सबको मिलके, यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं उनसे भी मिलकर, स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग सहयोग लेकर इस जगह को हम लोग और भी सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और अगले वर्ष और भी कुछ देखने को मिलेगा। अभी प्रखंड क्षेत्रों में छोटी मोटी आवद अनावद योजनाओं को हम लोग अभी स्वीकृति दे दिया, उसका कार्यादेश भी मिल गया है। अब कल से हम लोग हर जगह जाके जिस जो काम पूरा हो गया है उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे और जो कार्य अभी शुरू होने वाला है उसको हम लोग शिलान्यास करेंगे। चबूतरा का उद्घाटन किया गया जिसमें माननीय प्रमुख राम प्रसाद यादव एवं सभी हम लोग एवं सभी गणमान्य के बीच चबूतरा का उद्घाटन हुआ। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में करीबन 200 योजनाओं का स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें कि करीबन 50 से 60 योजनाएं को पूर्ण कर लिया गया है और जिसमें 1,95,00,000 की लगभग योजनाएं का स्वीकृति पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं का प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा स्वीकृति दी गई है एवं सचिव द्वारा इसका कार्य जोर शोर से, पूरे छोटी छोटी योजनाएं हैं बहुत जोर शोर से कार्य शुरू कर दिया गया है और लगभग 15 दिन में सब कार्य पूरा कर लिए जाएंगे एवं आज मां मंडलेश्वरी धाम में उद्घाटन करके हम लोग कार्यक्रम को इसका शुरुआत किए हैं और पूरे क्षेत्र में लगातार ही 15 दिनों तक जो गाइडलाइन बहुत में आए हुए चबूतरा का शिलान्यास किया हमारे प्रमुख साहब पंचायत समिति के मत के द्वारा। बेंगाबाद ब्लॉक में विभिन्न गांवों में योजना प्रारंभ हो चुकी है और बहुत सारे योजना धरातल पे बन के रेडी है, जो आज से शुरुआत हुआ है उद्घाटन कार्यक्रम, ये अभी चलेगा पूरे पंचायत में। जो भी 2500 पंचायत में लगभग 200 योजना संचालित है, वो सारी योजना को प्रमुख साहब अपने देख रेख में और बढ़िया ढंग से बनाया गया है। कोई भी पंचायत समिति का मत से दुरुपयोग नहीं किया गया है, राशि जो भी
हम लोगों का दायित्व बनता है, वो दायित्व को पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक निभाए हैं। और कहने का मतलब है कि राशि हम लोगों को कम दिया गया सरकार के द्वारा और लास्ट में दिया गया, ठीक है। अगर पहले देता तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग कार्य करते और जनहित में कार्य होता। ये यहाँ जो हमारे चबूतरा निर्माण किया गया है माँ मुंडेश्वरी धाम में, ये बहुत लाभदायक होगा आने वाला टाइम में। यहाँ प्राकृतिक का दिया हुआ सारा चीज़ है और यहाँ श्मशान शेड भी बना हुआ है, श्मशान घाट भी है। और यहाँ पे लोग जो है सो हर एक साल की भांति इस वर्ष भी यहाँ मेला का आयोजन किया गया है, प्रोटोकॉल कोरोना का देखते हुए। मैंने थोड़ा कम भीड़ है लेकिन ठीक है। जो दिया गया योजना चबूतरा यहाँ के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी थी कि सरकारी योजना का जो है एक स्थल पर, ठीक है, और यहाँ पर मिला तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और यहाँ की जनता और ग्रामीण के अलावा पूरा गांव वालों भी खुश है कि यहाँ पर चबूतरा हुआ, और इसके लिए हम तहे दिल से प्रमुख साहब को आभार व्यक्त